हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और यूनिवर्सिटी गुरुकुल दोनों एक साथ। यूनिवर्सिटी गुरुकुल यानी यू गुरुकुल जो बीएचयू पाठशाला का सेकंड चैनल है, और इन दोनों ही चैनल ने कमाल कर दिखाया है और उसका एक जीता जागता उदाहरण जो मिसाल है वो हमारे सामने उपस्थित हैं। तो मैं आज आपको मुखातिब कराने वाला हूँ चंदन कुमार से, और चंदन कुमार ने इस बार डबल कारनामा कर दिखाया है। ये बीएचयू यूनिवर्सिटी के यूजी बीए कोर्स में इन्होंने टॉप 100 यानी 78 रैंक लाया है, और खासकर साथ साथ ये बीएचयू पाठशाला से जुड़े रहे और यूनिवर्सिटी गुरुकुल को भी ज्वाइन किया, और इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया 5th रैंक दिया है। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग डायरेक्टली चंदन कुमार से ही बात किया जाए। कि चंदन जी, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिएगा। मैं चंदन कुमार मेहता, मैं पलामू से हूँ, मैं पलामू झारखंड से। इससे पहले मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ा करता था। उसके बाद मैंने आर्ट्स पढ़ने का निर्णय लिया, तो फिर उसके बाद मैं बीएचयू पाठशाला से जुड़ा और आज यहाँ तक हूँ। ओह वाह, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि बीएचयू पाठशाला से जुड़े, कहीं ना कहीं बीएचयू पाठशाला आपके लिए कारगर रहा, तो सबसे ज़्यादा कारगर रहा। तो मैं चाहूँगा कि बीएचयू अच्छा, मैं थोड़ा सा स्माइलिंग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि चंदन का जो अचीवमेंट है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं काफ़ी खुश हूँ। तो चलिए मैं बताऊँगा रीज़न भी क्या है। मैं चाहूँगा चंदन, आप बीएचयू पाठशाला से कैसे जुड़े? एक्चुअली एक आप पहले जैनवीर सोनभद्र में पढ़ा करते हैं, वहाँ आपके जूनियर थे, वो मेरे रिलेटिव हैं। तो जब मैं रांची से वापस आया तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर बीएचयू जाना चाहते हैं। उनको पता था कि मैं, मेरा कोई चैनल वगैरह है जी। अच्छा, कि आप बीएचयू जाना चाहते हैं तो आप नीरज भैया से कॉन्टेक्ट कीजिए और बीएचयू पाठशाला ज्वाइन कीजिए। तो मैंने मार्च में इनसे नीरज भैया से कॉन्टेक्ट किया और फिर बीएचयू पाठशाला को ज्वाइन किया, और इसके दम पर आज यहाँ तक मैं पहुँचा। अच्छा, और साथ साथ जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आप सुपर 40 बैच से भी रहे हो जी, तो सुपर 40 के बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को बताइए। एक्चुअली बेसिकली ये जो टॉपर स्टॉक है, मैं चाहता हूँ लोगों का भला हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रामीण लेवल से आते हो, ग्रामीण स्तर से आते हो, तो ये हमारे लिए बड़ा ही मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है कि आप जिस लेवल से आते हो उस लेवल में आपने इतना कुछ कर दिखाया है। जनरली लोग को लगता है कि नहीं हो पाता है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ सुपर 40 का एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे रवानी पर, लेकिन हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना। मुझे इस बात पे एकदम आप 100% मैं श्योर हूँ कि ये जो लाइन अभी चंदन कुमार ने बोली है, और आप ऑलरेडी उस लाइन को प्रूव कर चुके हो चंदन कुमार। ठीक है, तो आप अपनी बातों को आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं सुपर 40 का जब आपने फॉर्म निकाला तो मैं उसमें ऑलरेडी मैं बीएचयू पाठशाला से जुड़ा हुआ था, तो मैं उसमें इनरोल्ड हुआ और फिर उसका एग्ज़ाम दिया, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। सुपर 40 के 20 में से 20 बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हो गया है, जिनमें आकाश शुक्ला, आयुष तिवारी, आदित्य सिंह। आदित्य का तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है EWS का, आदित्य जो अभी चैनल पर ऑलरेडी। हाँ, तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। कई लोगों से अपना नाम भूल गया, चंदन कुमार भी उसमें टॉप 100 में है, और ये बात रियली बहुत अमेजिंग है कि सुपर 40 एक्चुअली बॉयज ग्रुप से हैं। 20 का ग्रुप था सुपर 40, मतलब 40 20 लड़कियां 20 लड़के थे, तो 20 लड़कों में इन्होंने अपना तारीफ बता दिया, और वैसे ही 20 लड़कियों का भी कमाल रहा है। मतलब कि 50% आरक्षण रहा, आरक्षण नहीं, मतलब उसे बोलते हो इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को बराबर तरीके से बांटा गया है भाई। गर्ल्स बॉयज को मैंने ऐसा नहीं लगा 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट वाला फॉलो किया था, 50% 20 लड़कियाँ 20 लड़के, और लगभग सभी सेलेक्टेड भी हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि चलिए ठीक है, बीएचयू की तैयारी किया आपने, इतना अच्छा स्कोर 78 ऑल इंडिया रैंक दिया, फिर आपने इलाहाबाद में 5th रैंक दिया। मैं चाहूँगा एक बार आपने मुझे कॉल किया था, याद है एक वाक्य था, मैं चाहूँगा प्लीज वो वाक्य शेयर कीजिए। 14 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम मैं रांची में था, तो 14 को मैंने एग्ज़ाम लिखा, फिर 15 सितंबर को सबसे पहले सर को कॉल किया, तो इनसे बोला कि सर मैंने इलाहाबाद का भी फॉर्म अप्लाई किया, 27 सितंबर को एग्ज़ाम, तो आप ऐसा कीजिए कि इलाहाबाद का भी थोड़ा प्रिपरेशन 10-11 दिन बच रहा है उसमें करा दीजिए। सर बोले कि देखते हैं, अब जैसा हुआ वो वैसा करेंगे। मैं 16 को रांची से वापस आने लगा, तो मुझे रास्ते में ही इन्फॉर्मेशन मतलब कि मैसेज आया कि यूनिवर्सिटी गुरुकुल नाम का एक और चैनल बन गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैंने सर को बोला और वो अगले दिन वो चैनल बन गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ मेरा भी रहा उसमें। नहीं नहीं, बहुत बड़ा हाथ रहा भाई, बहुत बड़ा हाथ रहा। मैं चाहूँगा कि चंदन प्लीज वो वाला वाक्या, एक्चुअली जब आप इलाहाबाद का जब बीएचयू आपका फाइनल हो गया था, आप अपना आंसर की मिलाए उलाए, फिर आप बोले कि मैं दूँ कि ना दूँ, वो क्या था? आपने कुछ मुझे बताया तो मैं चाहूँगा प्लीज रिकॉल कराइए। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं रांची से वापस आया, तो मैं बचपन से रूल फॉलो करता हमेशा से,
तो ऐसे पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट रहा था, अगर हम खुद मतलब पॉलिटिक्स की बात हम लोग लगातार करते रहे तो जब हम लोग खुद आइडियल ना बने तो दूसरों क्यों ऐसा। नहीं नहीं अभी तो आप प्रूव कर दियो कि आप आइडियल हो, तो अभी तो प्रूव कर दियो। मैं 16 सितंबर को घर वापस आया तो मैं 7 दिन क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन में, तो ऐसे ही मतलब होम क्वारंटाइन में मेरे ऐसे ही एकदम मूड ऑफ था, तो 23-24 तारीख तब तक हो गया, तो मुझे आने का भी नहीं मन कर रहा था तब तक। 21 सितंबर को ये आंसर किया चुका था, दे चुका, तो उसमें मेरा 246 नंबर 246 नंबर, तो सर बताया कि सिलेक्शन एकदम पक्का है और हॉस्टल भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने इनसे बात किया कि सर मूड ऑफ भी है और आए कि नहीं आए, फिर एडमिट कार्ड दिया गया वाराणसी सेंटर, ये बोले कि नहीं आओ और एक रैंक वहाँ भी मतलब फिक्स किया गया। तो उसके बाद फिर मैं 26 सितंबर को रांची आया। मतलब चंदन के साथ जो वाक्य हो रहा था वो पहले ही डिफाइन था, और मेरे अंदर से भी एक अंदर से आवाज़ आती थी बार बार कि यार चंदन अच्छा कर ले जाएगा। और वैसे तो स्फूर्ति के सभी स्टूडेंट अच्छा किए, आदित्य ने तो फॉर्म ही नहीं डाला था, अगर आदित्य फॉर्म डाला होगा तो कहने के आदित्य भी रैंक ला दिया होगा। लेकिन फिर फाइनली चंदन ने मुझे कॉल किया, बोला कि क्या करें सर पेपर दें कि ना दें, तो मैंने बोला सिलेक्शन तो फिक्स है BHU में, लेकिन दे लो पेपर, फॉर्म पैसा दियो भाई पेपर दे लो। और फाइनली ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक हाथ लग गया इलाहाबाद में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ आप अक्सर आपके FB पे, चंदन FB पे भी बड़ा एक्टिव रहे हैं देखता हूँ, पॉलिटिकल चीज़ों पे बड़ा डिबेट वगैरह करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको फ्री प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो एक मिनट आज की करंट सिचुएशन से रिलेटेड कोई चीज़ आप शेयर करना चाहो तो कर सकते, कोई भी। तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं तो इसमें मतलब सब लोग कटे कटे से हो गए हैं, जो एक कोई किसी के साथ नहीं, अभी सब लोग अकेले हैं। तो कारण यह है कि सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन अभी आइडियोलॉजी को कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी को कोई इज्जत नहीं मिलता है उसके लिए। जैसे कि अगर आप वामपंथ को सपोर्ट करते हो तो है कि ये वामपंथी हो गया, ये विदेशी विचारधारा है। अब दक्षिण पंथ को सपोर्ट करते हो तो कहीं कहीं तो है कि झंडा उठा के जय श्री राम और ये फलान ढिकान करते हुए हम लोग घूमते चले जाएंगे, और फिर उन दोनों के बीच में जो रह जाते हैं हमारे बीच वाले लोग जो कि अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, तो इन लोगों की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। ये वंशवाद और ये घोटाला वगैरह या फिर कई और सारी चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े नेता लोग अभी जेल में, तो मतलब ये काफ़ी दुखी करता है अभी हम लोगों को। फिर ऐसे सिचुएशन में कैसे होगा? एक्चुअली चंदन के ये जो मेरा क्वेश्चन था, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि चंदन रियल में, क्योंकि मैं चंदन से तो कभी मुलाकात भाई, अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहे हैं हमेशा से, लेकिन मैं बस इसलिए छेड़ा आपको इस क्वेश्चन के लिए कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि चंदन रियल में कितने भाई आर्टिकल वगैरह में कितने पारंगे थे। तो मैं नहीं, आप हो, मैं समझ गया, थोड़ा सा और यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है, आप बोल लो। एक्चुअल में मैं BHU नहीं आना चाहता था, और अभी भी मेरा सेकेंड चॉइस BHU, ये मेरा फर्स्ट चॉइस क्या है, मेरा फर्स्ट चॉइस JNU। मैं संजय व्यास कॉलेज से ही था कि मैं JNU जाऊँगा, वहाँ मेरे दोस्त लोग कहीं जाइए, लेकिन वहाँ एक हमारे सर हुआ करते थे अंजनी सर, अंजनी कुमार सिंह उनका नाम है, केमिस्ट्री के टीचर। अच्छा, तो लास्ट टाइम मुझे पूछे कि क्या करोगे बाबू, तो हम बोल दिए कि हम JNU जाना चाहते हैं। हमको बहुत ज़बरदस्त फटकार लगाई गई, क्योंकि उसी टाइम वहाँ फीस वृद्धि हुई थी और बहुत ये वो दीपिका पादुकोण आई और वो कन्हैया कुमार भी आया, तो ये वो फलान ठिकान खल्ला उल्ला चल रहा था। तो सर बोले, बहुत डांटे हमको, बोले कि BHU क्यों नहीं जाते। तो हम बोले कि सर यहाँ मतलब हम विचार करेंगे इस पर, देखते हैं क्या होता है। तो फिर इसके बाद मुझे पता चला कि JNU में अंडर ग्रेजुएशन में फॉरेन लैंग्वेज, और मैं गाँव का बच्चा था तो फॉरेन लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, तो मैं BHU आया, लेकिन मैं यहाँ के बाद मैं JNU जाना चाहूँगा, और वो मेरे लाइफ का एक सपना है, और मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं इसके यहाँ के बाद पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो आज ही बोल रहा हूँ भाई, वीडियो शूट हो रहा है, कहीं डिलीट नहीं होने वाला, हमेशा के लिए पड़ा हुआ है। आपको नहीं लग रहा है कि चंदन के अंदर कुछ है, इस सिंप्लिसिटी के अंदर इतना बड़ा, वही होता है ना, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट, आपके अंदर भाई बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं अभी तो आपको शुभकामनाएं भी नहीं दिया, मैं एक बार आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ अपने और पूरे BHU पाठशाला टीम की तरफ से, इस बनारस शहर की तरफ से। और मुझे कोई शक नहीं है कि चंदन कुमार आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा, और ये चंदन क्योंकि चंदन के अंदर जो सिंप्लिसिटी है, आई होप कि अपनी सिंप्लिसिटी के बनाए रखोगे और आप ऐसे आगे बढ़ो। बहुत सारे अभी आगे अपॉर्चुनिटी है चंदन, और मेरा एक चंदन को, चंदन एक्चुअली जब BHU का रिजल्ट आया और सुपर 40 ज्वाइन किया, तो सुपर 40 के लड़के थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाते हैं मेरे से, तो चंदन भी काफ़ी अच्छा मेरे से जुड़ा रहा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चंदन, मैं बोला ना कि मैं बहुत अंदर ही अंदर मुदित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, क्योंकि चंदन ने जो दिखाया करके ना, वो होता है ना कि बहुत लोग कमिटमेंट कर देते हैं, चंदन बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया, सर ये करेंगे वहाँ करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन चंदन ने जो कमिटमेंट किया कि सर ऐसा कर देंगे, ये प्लान है मेरा, फाइनली वो प्रूव होता चला गया एकदम। और आज भी बहुत सारे अभी कमिटमेंट हुआ है कि JNU और बाकी जो भी आपका सपना उपना हो,
और अभी तो मैं चंदन से आपका वो स्टडी प्लान नहीं सूट करा रहा हूँ कि चंदन ने कैसे पढ़ाई की थी, क्योंकि बेसिकली बीएचयू पाठशाला जुड़े हुए हैं, तो वही प्लान आप बताओगे पूरा। तो चंदन ऐसे बीएचयू पाठशाला पे जुड़े भी रहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग फिर कभी। मैं जाते जाते दो बातें और कहना चाहूँगा। हाँ ठीक है, आप बोलिए जरूर। बोलिए कि पहली ये कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हम लोग कब, मैं जैसे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि बीएचयू में सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद में, तो वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन मैं उनको बता दूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलुमनाई लिस्ट वो काफ़ी ज़्यादा रहा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा रहा। उसने 3 प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, 3 प्रेसिडेंट्स दिए हैं और शायद 3 या 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वहाँ मेरी एक सीनियर रहती थी, मेरी दीदी रहती थी, उमा दुबे उनका नाम, तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो उनसे इंटरेक्ट होकर मैं उनसे लगातार सलाह लेता रहा, और एक हिमांशु मिश्रा थे। अच्छा। तो इसके चलते भी हम इलाहाबाद, मेरा पहला पहले से ही प्लान था, लेकिन हम वहाँ जा नहीं रहे अभी। और उन दोनों के अलावा बीएचयू पाठशाला का और ये यूनिवर्सिटी गुरुकुल का अच्छा साथ मिला, और तो इसके चलते मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं। अच्छा, आप एक लास्ट टाइम, अभी तो बहुत अब अंतिम ही है, मैं चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बीएचयू पाठशाला कितना कारगर है अर्बन और रूरल एरिया के लोगों के लिए, 10+2 बच्चों के लिए, उन्हें ज्वाइन, ऑनेस्टली बताइए, ज्वाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बीएचयू पाठशाला से जरूर ज्वाइन होना चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप शुरू में ज्वाइन मत होइए, थोड़ा देख लीजिए, डेमो देखिए उसका। तो जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, अर्बन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो गांव से बच्चे, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं बीएचयू पाठशाला से जुड़ा और इसके स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ, और इसके अलावा जो सुपर 40 है, तो वो तो सबसे तो सुपर 40 इस बार भी बनेगा चंदन, इस बार भी बनेगा, क्योंकि कोई चीज़ जब सक्सेस हो जाता है, जैसे कोई मूवी है, अगर पहली पार्ट हिट चली जाती है तो सेकंड पार्ट आना मस्ट हो जाता है। डायरेक्टर पहले प्लान बना लेता है सेकंड पार्ट लाना है, तो वही हाल है भाई, अब तो मस्ट हो गया ना, सेकंड थर्ड पार्ट जब तक आएगा, जब तक ये बरकरार रहे भाई, तब तक इस चीज़ को हम लोग लॉन्च करेंगे। ये है कि मैं चाहूँगा चंदन ऐसे ही जुड़े रहो, बाकी आगे भी हम लोग बहुत अच्छा प्लान किया जाएगा, और इतना अच्छा किए हो, इसके लिए अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं सोचता हूँ कि बस आराम से बोला जाए, हर हर महादेव जी, ठीक है, हर महादेव। ठीक है, ओके डन, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मैं चाहूँगा चंदन प्लीज अपने दोस्तों के साथ बोलो जरूर यार, लाइक शेयर के सब्सक्राइब के लिए, अब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि बीएचयू पाठशाला के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी गुरुकुल से, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज्यादा कारगर हुआ है चंदन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, की बाय। हाँ, एक बार आप भी घुमा दे, क्योंकि जो ब्रांगड़ है ये लाइब्रेरी का है, और आप इस सुंदरता को थोड़ा सा देखिए, अक्सर अब ठंड का सीजन आ रहा है, तो हम लोग इसी ग्राउंड में बैठ के बाहर पढ़ाई करते हैं, और इस बार चंदन कुमार भी इसी ग्राउंड में बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं, और आगे अपना सपना सरोकार करने वाले हैं, साकार करने वाले हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, और न्यू बैच ज्वाइन चालू हो चुका है, आप सजेस्ट करो लोगों को ज्वाइन होने के लिए। ठीक है।